जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जितनी भी ट्रेड थी, चाहे नॉर्मल ट्रेडमैन थे या फिर फार्मासिस्ट वगैरह से, स्टाफ नर्स से, और एक्सरे ईसीजी वगैरह के जो लैब टेक्नीशियन वगैरह, इन सभी का स्किल टेस्ट अभी शुरू होने वाला है। तो मैंने दो चार ट्रेड का स्किल टेस्ट किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो फार्मासिस्ट को लेके और स्टाफ नर्स को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, इसका जो हमारा स्किल टेस्ट होगा, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस करवाई जा सकती है। हालांकि मेडिकल लाइन में मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा जो हमारे फार्मासिस्ट स्टाफ वगैरह, जो स्टाफ नर्स में जो जॉब करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत जानकारी लेके आपके साथ मैं जो मुझे जानकारी मिली वो शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है कि आपको उसके संबंध जानकारी हो तो बेस्ट है। लेकिन देखो, वैसे तो स्किल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि भी कोई भी कार्रवाई जो आपकी पर्टिकुलर ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई की, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन एक जो नॉर्मली चीजें जो पूछी जा सकती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी तैयारी होगी तो बेस्ट है, अगर नहीं होगी तो थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं। तो आप फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स का लगभग आप देखेंगे तो ड्यूटी सेम सी होती है, सेम साइज वर्क होता है, तो इन दोनों के जो स्किल टेस्ट में भी सिमिलरिटी रहेगी लगभग। तो आपको जो सबसे पहले तो एक को सीपीआर के देने की जानकारी होनी चाहिए। सीपीआर के बारे में आपको, भाई किसी को अटैक आ जाता है अचानक, तो उसको सीपीआर कैसे दिया जाता है, या किसी भी सिचुएशन में सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है, तो सीपीआर की प्रोसेस आपको आनी चाहिए। ये दोनों स्किल टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जा सकता है सीपीआर की प्रोसेस को लेके। इसके अलावा दूसरी बात अगर करें कि किसी को भी अगर अटैक आ गया, तो अटैक आने के बाद की जो फर्स्ट में जैसे जो मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, उस मेडिसिन का नाम होना चाहिए, या फिर आपके सामने मेडिसिन वगैरह रख दे तो उस मेडिसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन इस सीजन में यूज ली जाती है। बाकी छोटी मोटी जो नॉर्मल मेडिसिन होती है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो अमूमन जो चीजें यूज में ली जाती है जवानों के साथ, जो चीजें होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में पूछ सकता है। तो सीपीआर हो गया, उसके बाद में अटैक आने के ऊपर फर्स्ट में कौन कौन सी दवाई आपको दी जाती है अटैक आने वाले जवान को, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जैसे एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं, कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, या फिर आपके सामने फर्स्ट एड बॉक्स रख देगा, बहुत सारी मेडिसिन रख देगा, तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स अगर तैयार करना है तो किस प्रकार से आपको फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना पड़ेगा, उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, कौन कौन से उपकरण उसके अंदर डालेंगे, इन सभी चीजों की आपको जानकारी इसके अंदर रहनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे बीपी का, बीपी को नापने का तरीका आपका, कि बीपी में किस प्रकार से नापना है, वो चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बीपी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बीपी की जो मशीन होती है उसका क्या नाम है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बीपी नापने के जो जितने भी उपकरण होंगे, जो भी चीज़ यूज में ली जाती हैं, उन सभी के नाम और उसकी कार्रवाई आपको पता होनी चाहिए। सेम फिर आपका जैसे ब्लड शुगर नापते हैं, तो ब्लड शुगर का भी वही सेम आपको नापने का तरीका, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इन सभी चीज़ों की भी आपको जानकारी इसके अंदर रहनी चाहिए। तो ये क्योंकि ये सभी जो चीजें होती है ना, ये सभी चीजें आपसे पूछेगा, क्योंकि नॉर्मल रेंज तो आपको पता है कि भाई बीपी की हो चाहे ब्लड शुगर की हो, नॉर्मल रेंज आपको इसके अंदर पता रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा फिर आपका आ जाता है कि भाई जो फर्स्ट एड बॉक्स का मैंने बताया दिया, फिर जैसे पेशेंट की जो कैटेगरी होती है, पेशेंट की जैसे तीन कैटेगरी होती है, आपको पता होगा, आप तैयारी करें भाई रेड ग्रीन येलो, तो कौन से पेशेंट को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, इन सभी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको इन सबसे पूछ सकता है भाई रेड कैटेगरी में कौन से पेशेंट आएगा, ग्रीन में, येलो में, जो जो कैटेगरी होती है पेशेंट की, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेडिसिन का मैंने पहले आपको बताया था, बीपी की मेडिसिन हो गई, आपका अटैक आने पे मेडिसिन हो गई, या नॉर्मली जो मेडिसिन आपको यूज में ली जाती है, भाई उन सभी चीजों की नॉलेज आपको मेडिसिन के बारे में होनी चाहिए। तो ये सभी चीजों की अगर नॉलेज है आपको, तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि भाई आपने जिस चीज से आप भर्ती हो रहे हैं, तो आपको इस चीज की आपने पढ़ाई करी है, तो आपको इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा, ड्रेसिंग करने का तरीका, जैसे किसी को घाव हो गया, कोई चीजें होगी, तो ड्रेसिंग किस प्रकार से करनी है, ड्रेसिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है, ये सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। कौन कौन से आइटम जो ड्रेसिंग में यूज में लिए जाते हैं, तो इन सभी चीजों से आपसे कार्रवाई करवा के भी देख सकता है और आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। वो भी डिपेंड करता है जो एग्जामिनर होता है। तो इन सभी जो एक मैंने आपको मोटा मोटी बता दी कि ये जो प्रोसेस होती हैं, तो इसके अलावा जो सिमिलर आपने भी मेडिकल की पढ़ाई की है, तो आपको हमारे से ज्यादा जानकारी है। लेकिन जो मैंने भी जानकारी लिया है भाई से, उससे जो मुझे पता चला वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी जो मैंने जानकारी दी इसके सिमिलरिटी जो भी चीजें होंगी, वो सभी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। कि इन सारी चीजों का अगर आपके बारे में कुछ भी पूछ ले, तो भाई आपको इन चीजों का पता रहना चाहिए। पेशेंट का जोन मैंने बताया दिया, भाई आपका रेड जोन, ग्रीन जोन, जो भी होगा। इसके अलावा आपको हड्डियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भाई कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, वो आपको पता होगा। इंग्लिश में पूछते हैं कौन कौन से नाम होते हैं उसका, भी रीढ़ की हड्डी हो गई, कंधे की हड्डी है, पैरों में है, जो जो भी आपकी बोन्स होती है, सभी बोन्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। बोन्स के बारे में आपसे पूछ सकता है।
इसके अलावा फिर आपको जैसे नॉर्मली जो जो टेस्ट होते हैं उनकी नॉर्मली जो रेंज होती है, जो मैंने आपको हीमोग्लोबिन हो गया, इसके अलावा बीपी हो गया, इसके बाद आप ब्लड शुगर हो गया, इन सभी की जो नॉर्मली रेंज होती है भी कितने से कितने बीच में होना चाहिए एज के हिसाब से। वेट का फैक्टर भी आपसे पूछ सकता है, अभी वेट का कितनी कटेगा, एज के हिसाब से कितना वेट वगैरह होना चाहिए, कितना जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो आदमी को ओवर वेट में आ जाता है, इस कैटेगरी में, मतलब इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन आंसर जो आपने पढ़ाई की है इससे संबंधित जानकारी आपसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।